एक कटोरी मैदा, आपको चाहिए तो ज्यादा ले सकते, आधा कटोरी बेसन, स्वाद अनुसार नमक, गरम किया हुआ तेल थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिल चुका है, इसमें हम अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो बनाएंगे। हमारा डो हो चुका है, अब इसको ढककर 10 मिनट साइड में रख देंगे। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, 3 चम्मच तेल डालेंगे, और इसको थोड़ी देर अच्छे से पकने दीजिए 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना। 3 चम्मच हमने नारियल लिया था उसको खीस लिया है, वो डाल देंगे। अब इसे निकालेंगे और मिक्सर में पीस लेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच शक्कर, स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया, और ये हमने बारीक सेव ली है। हो चुका है, अब इसे निकालेंगे और मस लेंगे। रोटी हमने बेल लिया है, इमली और गुड़ है इसको हमने पका लिया है और छान लिया है, इसको रोटी के ऊपर लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा सेव डालेंगे बारीक वाला और इसको मिलाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसा सब जगह डाल दीजिए। ऐसे पीस काट लीजिए पूरे, दबाएंगे, ये देखिए। हो चुकी है हमारी सारी बाकरवड़ी, अब इसे तलेंगे, एक एक डाल देंगे। अब एक एक पलटा देंगे। हमारी भाकरवड़ी तैयार है, आप एक बार बना के देखिए, बच्चों लोग को भी बहुत पसंद आएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।